हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें आप जानते हैं हम सीजीपीएससी का संपूर्ण सिलेबस एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। रीजनिंग के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका डाटा सफिशिएंसी, जिसे हम समंक पर्याप्तता की के और नाम से अपन जानते हैं। डाटा सफिशिएंसी बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, आपके पास क्या होगा, कथन दिया रहेगा, आपके पास एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उस स्टेटमेंट का, उस कथन का आंसर आपके पास कौन कौन से आपके पास ऑप्शन से आ सकता है। ठीक, इसमें आंसर लाना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको पता करना है कि उसका आंसर क्या होगा, आपको बस पता करना ये जरूरी कि आंसर किससे आ सकता है, बस आपको ये पता करना होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हुए टॉपिक को और आते हैं आज के पहले प्रश्न पे। बेसिकली इस तरीके से आपको देगा, आपको यहाँ पर बोल रहा है Who is taller among P, Q, R, S, N, T? आपके पास पांच व्यक्ति के बारे में दिया, उसमें सबसे लंबा कौन है आपको ये पता करना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको प्रश्न आपको पूछा स्टेटमेंट में कि आपको ये कि इसमें कि आपको सबसे लंबा कौन है आपको ये पूछा है। अब इसका आंसर आने के लिए आपको कौन कौन से स्टेटमेंट का जरूरत होगा वो हम यहाँ चेक करते हैं। क्या बोल रहा है, S इज शॉर्टर देन Q, इसका मतलब Q बड़ा है S से। आपको पहले बताया था आपको कि जब इस टाइप वाला क्वेश्चन रैंकिंग ऑर्डर वाला इनइक्वालिटी होता है कि सभी का हम क्या करेंगे, एक ही साइन में अपन लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। आपको यहां दिया है S इज शॉर्टर देन Q, इसका मतलब Q S से बड़ा होगा। ठीक, P इज शॉर्टर देन T ओनली, P सिर्फ और सिर्फ T से छोटा है, बाकी सबसे लंबा है। P सिर्फ और सिर्फ T से छोटा है, बाकी सभी से लंबा होगा। तो इससे हमने ये पता कर लिया कि सबसे लंबा कौन है, वो कौन है यहाँ पर T, सिर्फ नंबर एक से हमारे पास आ चुका है। ठीक है, Q is taller than only S, Q सिर्फ और सिर्फ S से है, बाकी सबसे छोटा होगा। T is taller than P and R, T किससे लंबा है, P और R से लंबा है। ठीक है ना, अब इस कथन में कि Q तो S से लंबा है ये हमको दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, यहाँ से T किससे लंबा, P और R से लंबा, लेकिन T का संबंध Q से हमको नहीं दिया हुआ है, इसीलिए दूसरे से हमारा आंसर नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ पहले से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट वन इज इनफ टू फाइंड द आंसर। पहले बता रहा हूं आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता करना है कि उसका आंसर किससे आएगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को कवर करता है, आपने जितने पढ़े हैं आपके, इंग्लिश अल्फाबेट हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, रैंकिंग, डायरेक्शन, ये आप जितने टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारा का सारा इसमें यहां पर क्या होता है, समावेश होता है। ठीक, आपको ये बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, दो पॉइंट है पी और क्यू, हमको उनके बीच का दूरी निकालना है। पॉइंट आर इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी, पी के वेस्ट में कौन है हमारे पास, आर है, कितने दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर। ठीक, और पॉइंट एस इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पी, पॉइंट एस यहां से नॉर्थ में कितना मीटर, 10 मीटर। ठीक है, हमको पी और क्यू का, अच्छा सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला फिगर बनाएंगे तो हमको यहां पर क्या होगा, पी और क्यू का निकलेगा क्या, नहीं, क्योंकि हमको क्यू का यहां पर डायरेक्शन हमने को दिया ही नहीं कहां पर है। ठीक, अब सेकंड वाला फिगर बनाते हैं, पॉइंट क्यू इज 10 मीटर, पॉइंट क्यू इज 10 मीटर इन द साउथ ईस्ट, डायरेक्शन आपके पास ये बनता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, वेस्ट होता है, ये साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट आपके पास ये होगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पॉइंट क्यू इज 10 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ आर, साउथ ईस्ट ऑफ आर। ठीक, पॉइंट क्यू पॉइंट आर के साउथ ईस्ट में है, पॉइंट क्यू पॉइंट आर के पॉइंट साउथ ईस्ट में कितना यहाँ पर, 10 मीटर, ये हमको दिया। पॉइंट एस इज 20 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू, पॉइंट एस को अगर मैं देखा, पॉइंट एस नॉर्थ वेस्ट, ठीक,
ये नॉर्थ वेस्ट होगा, कौन सा पॉइंट क्यू, सॉरी पॉइंट क्यू कौन सा है, पॉइंट क्या है वो, वो पॉइंट आपको दिया होगा पॉइंट एस, ये पॉइंट एस दिया, ठीक है। तो इससे अपन लोग क्या कर सकते हैं, एस और क्यू का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि पी, क्योंकि एस और क्यू का पी का संबंध दिया है क्या, नहीं दिया होगा, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ये स्टेटमेंट को और ये स्टेटमेंट को दोनों को मिलाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है आर के यहां पर साउथ ईस्ट में, यहां पर कितना बोल रहा है, ये यहां पर कितना बोल रहा है, यहां पर क्यू में कितना दिया हुआ है, यहां पर अपने को यहां पर दिया हुआ है 10, ये हमको दिया हुआ है 10 और ये हमको दिया हुआ है 10। तो क्या हम पी और क्यू का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, पी और क्यू का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास नॉर्थ ईस्ट ने बोला है या फिर ये होगा, अगर मैं इसको लिया सपोज इसको ऐसा लिया तो यहाँ पे 90 डिग्री आपका बन नहीं रहा है, बात समझ रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है कि आपके पास, ये आपका 90 डिग्री आपके पास नहीं बन रहा है, सॉरी ये आपका 90 डिग्री आपके पास ये नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आप पी और क्यू का निकाल सकते हैं क्या, पी और क्यू का आप इससे भी निकाल सकते नहीं है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ने बोला है तो एग्जैक्टली डायरेक्शन आपके पास नहीं बोला टर्निंग का ना, तो यहाँ से दोनों से अपन मिलाएंगे तो भी आंसर आपके पास नहीं आया क्योंकि हमको पी और क्यू का पूछा हुआ है और हमने P और R का और R और Q का दिया हुआ है, ठीक। आप दोनों मिलेंगे तो भी आपके आंसर नहीं आएगा, नॉट सफिशिएंट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है इसमें। शुभम इज रिलेटेड टू शिवानी, शुभम और शिवानी का हमको रिलेशन निकालना है, याद रखिएगा शुभम और शिवानी का रिलेशन निकालना। शुभम इज द ब्रदर ऑफ मीनल, शुभम शुभम मीनल का भाई है, ठीक है, यहां पर क्या है भाई है, ठीक। शिवम इज, अच्छा शिवानी इज नीस ऑफ पूजा, ठीक है, शिवानी पूजा की भतीजी है, शिवानी जो है ना पूजा की भतीजी, पूजा की भतीजी, ठीक है। अब हमको ये दोनों को मिलाएंगे, मतलब इस स्टेटमेंट से आपका रिलेशन आपका शुभम का और शिवानी रिलेशन निकलेगा नहीं, क्योंकि जब तक कि आपका पूजा का संबंध आपको या तो मीनल से या तो शुभम से ना दिया आपको उस तब नहीं निकलेगा, ठीक। फिर बोला है नीरज इज मीनल्स अंकल, नीरज कौन है, यहां पर नीरज जो है मीनल का चाचा है, ठीक है। अब अपन ये लेते हैं नीरज जो है ना मीनल का कौन है, यहां पर मीनल का यहां पर चाचा है, ये हम लेते हैं नीरज मीनल का चाचा है और प्रीति का, और प्रीति का भाई है, और प्रीति का भाई है, ठीक है ना। तो हम कैसे भी निकाल रहे हैं यहां पर पूजा का संबंधी आपका, ये जो पूजा का संबंध है ना वो या तो मीनल से या तो शुभम से या तो नीरज से या तो प्रीति, किसी एक से होना चाहिए, तभी यहां पर क्या होगा शुभम और इसका रिलेशन बन सकता है, अदरवाइज ये सारे कंडीशन पे आपका नहीं बनेगा। तो आप दोनों मिलाएंगे तो भी आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। भले आंसर कुछ भी हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन आंसर उससे आएगा कि नहीं आएगा आपको यही ज्ञात करना है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये बोला है प्रोडक्ट को किस तरीके से हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये करेंगे। जब भी सी सेट का पोर्शन होगा, पहले बता रहा हूं ए से लेकर जेड तक आपके पास जितने अल्फाबेट होंगे वो सारे अल्फाबेट को आप ए एक नंबर बी दो नंबर को अल्फाबेटिकल को आप लिख लीजिएगा विथ पोजिशन विथ नंबर के साथ में, और जो ऑपोजिट लेटर होता है आपके पास ए जेड हुआ बी वाई हुआ सी एक्स हुआ जो ऑपोजिट लेटर से, तो उसको लिख लीजिएगा क्योंकि पूरे सी सेट में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके पास इसी इंग्लिश अल्फाबेट के रिलेटेड रहेगा, चाहे वो सीरीज के क्वेश्चन हो या फिर नेक्स्ट टर्म वाला क्वेश्चन हो या कोडिंग डिकोडिंग हो एनालॉजी हो क्लासिफिकेशन हो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपको इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर क्वेश्चन आपके पास वहां से निश्चित तौर पर पूछता ही पूछता है, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे लिखेगा, अब यहां पर बोल रहा है कि ए आई ट्रिपल ई को, ए आई ट्रिपल ई को यहां पर क्या लिख रहा है, बी बी जे एफ 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 ए बी सी डी ई एफ,
ABCDFGHIJ, तो मतलब अगला अगला अल्फाबेट, और ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, वॉवल्स। तो वॉवल्स को उसके बाद वाले अल्फाबेट से यहाँ पर क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है, ठीक है, वॉवल्स को उसके बाद वाले अल्फाबेट से डिकोड कर रहा है। और जिप्सी लिखा हुआ है, जी एक्स अपन देख लिए, जी को यहाँ पर एफ लिखा है, वाई को यहाँ पर एक्स लिखा है, पी को यहाँ पर ओ लिखा है, एम एन ओ पी, मतलब जो आपके पास वॉवल है उसको उसके बाद वाले अक्षर से अल्फाबेट से रिप्लेस कर रहा है, और जो स्वर है जो और जो व्यंजन है वो उसको उसके पहले वाले से, ठीक है ना, मतलब स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से और व्यंजन को उसके बाद वाले अक्षर से, तो आपको दोनों चाहिए, आपको पहला भी चाहिए और आपको दूसरा भी चाहिए, तभी तो आप प्रोडक्ट को कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट में आपके पास पी आर ये आपके पास व्यंजन के रूप में है और ओ और यू वैसे जो है वो आपके पास स्वर के रूप में, तो आपको इसमें दोनों चाहिए तभी आप आंसर ला सकते हैं। चलिए आगे, हाउ इज फेस रिटन इन दैट लैंग्वेज, हाउ इज फेस रिटन कोड लैंग्वेज, ठीक है, आपके पास दिया हुआ पहला, नो वन विथ फेस, नो वन विथ फेस ये दिया हुआ है, और नो वन हैज फेस को आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में नो वन हैज, नो वन हैज कॉमन है, ठीक है, दोनों में नो वन फेस कॉमन है, और तीनों में कॉमन क्या है, फो फो सोप और फो कॉमन है, ठीक है ना भाई, फो कॉमन है, ओम कॉमन है, ओम कॉमन है, सोप कॉमन है, सोप कॉमन है, क्या बच गया यहाँ से, टू बच गया, तो मतलब ये हम समझ गए यहां से क्या बचा, विथ, हम ये समझ गए हैं विथ, विथ का जो कोड है, विथ का जो कोड है वो अपन लोग क्या समझ लिए हैं, टू आया, और यहाँ पर क्या बचा है, हैज बचा है, तो इस हैज का कोड यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, सिट आ गया, ये हमने इस पहले से निकाला, क्योंकि नो वन फेस दोनों यहाँ पर क्या कॉमन है, ठीक है, तो हम पहले से नहीं बता सकते कि यहां पर क्या होगा, फेस का क्या होगा। सेकंड अपन देखते हैं, फेस हैज नो लाइट, फेस हैज नो लाइट को ऐसे डिकोड किया और नो वन इज स्मार्ट को इस तरीके से डिवाइड किया, ठीक है, नो वन, ठीक। अब अपन जब देखते हैं इसमें और इसमें, ये दोनों में हमारे पास कॉमन क्या चीज है, कॉमन हमारे पास क्या, नो कॉमन आ रहा है, नो कॉमन आया और यहाँ पे नो कॉमन है, और ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन देखिए तो फो कॉमन है, फो कॉमन, ठीक है, फो कॉमन है, इसका मतलब नो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फो हो गया, नो का यहाँ पर क्या हो गया, फो हो गया, तो यहाँ से नो कटा है और यहाँ से फो कट गया, ठीक, यहाँ से भी नो कटा और यहाँ से भी यहाँ पर क्या कटा, फो, नो का यहाँ पर क्या किया, फो, नो का फो काट, इसके बाद भी आपका आंसर आ रहा है क्या, इसके बाद भी आपका आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि आपको फेस का निकालना है, ठीक, अगर बोलेगा विथ का, बोलेगा ये सब का आप निकाल सकते हैं, जैसे बोलेगा विथ का, आप विथ को डिकोड करना है तो सिर्फ पहले वाले से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अब अगर सपोज बोलेगा नो को करना है तो सेकेंड वाले से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आप दोनों मिलाएंगे तो भी आपके पास क्या होगा, फेस का आंसर आपके पास नहीं आ रहा है, दोनों मिलाएंगे तो भी फेस का आंसर नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, दोनों मिलाएंगे तो भी हमारा आंसर यहां पर नहीं आएगा, क्लियर हो गया, आते हैं अगले क्वेश्चन में, रैंकिंग से, रैंकिंग ऑर्डर ऑफ पोजीशन, मतलब इसमें कुछ जगह जो आपको निश्चित तौर पर पूछता है ना आपके पास, जो इसमें आपने डाटा एफिशिएंसी में डायरेक्शन हुआ, रैंकिंग हुआ, कोड लैंग्वेज वाला हुआ, इंग्लिश अल्फाबेट वाला हुआ, ब्लड रिलेशन वाला हुआ, ये वाला क्वेश्चन आपको हमेशा आपको दिखेगा ही दिखेगा आपको, ठीक, व्हाट इज मोनिका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल, ठीक है, मोनिका को पोजीशन निकालना है किससे, राहुल से निकालना, राहुल के संबंध में मोनिका की स्थिति निकालना, 25 छात्रों की पंक्ति में मोनिका पंक्ति से बाएं छोर पर बैठी है, टोटल 25 लोग हैं, मोनिका मोनिका यहां से कौन से छोर पर है, 12वें नंबर पर, और राहुल पंक्ति में बाएं छोर से 20वें स्थान पर, और राहुल बाएं छोर से कितने स्थान पर है, 20वें स्थान पर, और टोटल यहां पे कितने लोग हैं, 25 लोग हैं यहां,
तो बिल्कुल हम यहां से दोनों से अपन लोग क्या कर सकते हैं, मोनिका और राहुल का पोजीशन आप पहले वाले से बिल्कुल तौर पे निकाल सकते हैं, आप निश्चित तौर पे इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पोजीशन कोई भी हो, लेफ्ट में राइट अपने को उससे मतलब अपने पास नहीं है। सेकेंड, फर्स्ट वाले से अपना आंसर आ गया है, अब सेकेंड वाले से देखते हैं। मोनिका इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, मोनिका इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, और राहुल यहाँ पे मोनिका है और यहाँ पे राहुल है, एंड दे दिया, तब भी आपके पास बीच में बचेंगे और निकाल सकते हैं। मतलब आप सिर्फ पहले वाले को बनाएंगे, पहले वाले से भी आंसर आ सकता है, सिर्फ दूसरे को बनाएंगे तो आप दूसरे को बना सकता है। तो इफ डार्टन एदर स्टेटमेंट वन और टू इज एलोन, ठीक है, दोनों में कोई सा भी एक एलोन लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए ये अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। Who has secured less marks than P, Q, R, S, N, T? आपके पास पांच व्यक्ति हैं और आपको पता करना है कि सबसे कम मार्क्स है। S has secured less marks than only R and T. S सिर्फ और सिर्फ R और T से कम लाया है। S क्या है? जो S है ना पहले से, सिर्फ R और T से कम लाया है, बाकी सबसे यहां पर क्या होगा, वो अधिक लाया होगा, ठीक। Q secured more marks than P. Q किससे अधिक लाया है? Q P से अधिक लाया है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि सबसे कम अंक प्राप्त कौन से, पता कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि R, T और S का संबंध दिया हुआ है। आपके पास Q और P का दिया है क्या? Q और P का आपको दिया है क्या? आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब जब आपको Q और P का आपको नहीं दिया, आपको जब Q और P का नहीं दिया तो आप इससे आप निकाल नहीं सकते आप लोग, है ना, क्योंकि आप पता ही नहीं कर सकते आप इसमें कि सबसे कम कौन है, आप ये पता ही नहीं कर सकते, आपका आंसर आ नहीं सकता, ठीक। सबसे अधिक बोलेगा तो भी आप नहीं निकाल सकते, सबसे कम बोलेगा तो भी आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो दोनों मिलाएंगे तो भी आपके पास आंसर नहीं आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, इन अ सिक्स स्टोरी बिल्डिंग, ध्यान देख लीजिए, छह मंजिले इमारत है, भूतल पार्किंग पर है, रेखा चौथी मंजिल पर है, ठीक है। तो जब भी यहां पर क्या होगा, बिल्डिंग के बारे में बात होगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा आपके पास, तो आपके पास यहां पर क्या दिया है, छह स्टोरी है, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। अब पहले को देखते हैं, रेखा चौथी मंजिल पर है, रेखा पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर रेखा, ठीक है। फिर यहां पर बोला है शिखा केवल सम स्थान पर रहती है, शिखा केवल सम स्थान पर, तो देखो भाई शिखा या तो यहां पर होगी क्योंकि दो चार और या तो शिखा यहां पर, ये दो कंडीशन होगा, और पता करना है आपको शिखा कहां पर रहती है, ठीक है। रेखा रीमा सबसे ऊपरी मंजिल पर है, तो ये आपके पास कौन आ गया है, ये आपके पास रेखा आ गई है और यहां पर रीमा आ गया, तो भाई यहाँ पे शिखा बैठेगी क्योंकि उसको पोजीशन फिक्स है, क्योंकि वो बोल रहा है कि सम स्थानों पर ही बैठे हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ आप पहले वाले से आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड में करते हैं, रीमा पीटर से दो मंजिल नीची है, रीमा पीटर से दो मंजिल नीची, रीमा पीटर से दो मंजिल नीची, एक मंजिल दो मंजिल, सॉरी रीमा पीटर से, रीमा पीटर से एक दो दो मंजिल यहां पर नीचे, ठीक, तो तीसरी मंजिल पर होगी अपने पास, जो शिखा से तीन मंजिल ऊपर है, रीमा शिखा से तीन मंजिल ऊपर है, ठीक है ना, ये दिया ना, रीमा पीटर दो मंजिल नीचे है, जो शिखा से तीन मंजिल ऊपर है, रीमा शिखा से तीन मंजिल, रीमा शिखा से, रीमा शिखा से तीन मंजिल ऊपर है, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास एक दो यहां पर आर हुआ और रीमा शिखा से एक दो तीन मंजिल ऊपर, एक मंजिल ऊपर, ये जो फिगर है ना, ये सेकंड वाला, ये थोड़ा सा ये बनेगा, रीमा पीटर से दो मंजिल नीचे, रीमा पीटर से एक मंजिल और दूसरे मंजिल दो मंजिल नीचे, ठीक है, और शिखा से तीन मंजिल ऊपर है,
भीमा शिखा से एक मंजिल दो मंजिल, तो एक दो तीन चार पांच छह, ये भी बन जाएगा आपका। सेकंड आंसर आप निकाल सकते हैं जब आप सेकंड, क्योंकि छह लोग के बारे में बात हो रहा है ना, यहाँ पर बात कितने बारे में अपने पास, छह के बारे में बात हो रहा है, तो एक दो तीन चार पांच छह तो भी निकलेगा। आप सिर्फ पहले से भी आंसर ला सकते हैं, मतलब अगर आप सिर्फ पहले से लाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और सिर्फ दूसरे से लाएंगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो एदर वन और टू अलाउड, ये वाला अपना आंसर है, दोनों में से किसी एक से अपना आंसर आ। अगला ये बोला है कि अमित किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, आपको ये पता करना है। ठीक है, शिखा इज फेसिंग इस डायरेक्शन, शिखा इज फेसिंग इस डायरेक्शन, इफ शी टर्न्स टू हर राइट शी विल फेस राज। अगर राइट right, अगर वो राइट right को मतलब ऐसा टर्न करती है, ऐसा टर्न करती है, तो वहां पे किसको देखेगी, राज को देखेगी। ठीक है, किसको देखेगी, राज को देखेगी। आपको किसका निकालना, अमित का निकालना, वो राज को देखेगी। ठीक है ना, अमित इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ किरण हु इज फेसिंग शिखा। अमित इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ किरण हु इज फेसिंग शिखा। अमित किरण के ऑपोजिट में है, हु इज फेसिंग किरण, हु इज फेसिंग शिखा, किरण हु इज फेसिंग शिखा, और अमित यहां पर क्या, किरण के ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, तो यहां पर आपके पास। ठीक है, अमित क्या उसके ऑपोजिट में, लेकिन अमित इज फेसिंग दिस डायरेक्शन। अब मैं आपके ऑपोजिट में हूं, मैं आपके ऑपोजिट में हूं, तो जैसे मैं बोला कि यहां पर ऑपोजिट बोला, जैसे मैं आपके पास आगे हूं, तो हो सकता है कि मेरा फेस आपकी ओर हो, या हो सकता है कि मेरा फेस आपके पीछे की ओर, लेकिन मैं आपसे आगे हूं, तो आपको उसमें ये नहीं बता रहा है कि अमित जो है ना, अमित इज फेसिंग ऑपोजिट टू किरण, अमित किरण के ऑपोजिट में, किरण के ऑपोजिट में तो है अमित, लेकिन अमित कहां देख रहा है ये आपको बोला है क्या, क्योंकि अमित का जो मुंह है ना आपके पास वो नहीं बता रहा है, तो आप दोनों लगाएंगे तो भी आपके पास आंसर नहीं आएगा, सॉरी आप दोनों लगाएंगे तो भी आंसर नहीं आएगा, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब बनाएंगे तो दिखता बहुत आसान है उसके, आपको एक एक पहलुओं को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक, अगला आपको ये पता करना है कि शिखा का बर्थडे कब है, सॉरी मीना का बर्थडे कब है, आपको ये पता है। शिखा को मालूम है कि मीना का बर्थडे 4 months ago, शिखा के हिसाब से मीना का बर्थडे कब है, मीना का बर्थडे 4 months ago मतलब 4 महीने पहले था। ठीक है ना, इन विच मंथ, आपको पता करना है किस महीने में। राज को मालूम है कि फ्रॉम, राज मींस दैट आफ्टर 2 months फ्रॉम नाउ। ठीक है, राज को मालूम है कि आफ्टर 2 months फ्रॉम नाउ मीना'स बर्थडे विल बी 6 months बैक, ये आपको बोला है कि राज को ये मालूम है। राज को यहां पर क्या बोल रहे हैं कि राज को ये मालूम है कि पहला महीना दूसरा महीना दो महीने बाद मीना का जो बर्थडे होगा ना विल बी 6 months बैक, 6 महीने पहले का हो जाएगा। ठीक, 6 महीने पहले होगा, 2 महीने बाद 6 महीने पहले होगा, तो आपके पास यहाँ कोई पर्टिकुलर मंथ के बारे में नहीं बोल रहा है कि वो जनवरी है कि फरवरी है, आपके बोल रहा है कि आपके पास अगर आप दोनों मिलाएंगे, दोनों की बातें मिलाएंगे तो भी यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक, आप दोनों मिलाएंगे तो भी उसका आंसर आपके पास नहीं आएगा। अगर आपको ये बताता है कि जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, अगर आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर बताता आपको, तो आप वहां बता सकते हैं कि हाँ ये आपके पास आंसर। ठीक है, चलिए अगला। अब थोड़ा सा आ गया, अब यहां पर क्या हो जाता है अपने पास, 3 वाले आ जाते हैं, अब तक अपने पास 2 वाला था, अब यहां पर क्या हो जाते हैं, 3 स्टेटमेंट वाले में आ जाते हैं।
वहां पर आपको अलग अलग तरीके से आपको पूछता है, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी वे टॉट इन 4 कॉन्सिक्यूटिव पीरियड्स ऑफ 1 आवर ऑफ ईच, स्टार्टिंग फ्रॉम 8 से, मतलब 8 से, 9 से, 10 से और 11 से, मतलब आपके पास क्या है, 4 लेक्चर है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, बस बना सब एक एक घंटे का। तो एक लेक्चर 8 से 9 होगा, 9 से 10 होगा, 10 से 11 होगा, लास्ट क्या होगा, 11 से यहां पर 12, ठीक। मैथमेटिक्स पीरियड एंडेड एट 10 AM, मैथमेटिक्स पीरियड वो आपको ये पता करना है कि केमिस्ट्री कब होगा, ठीक। मैथमेटिक्स पीरियड एंडेड एट 10 AM, तो इसका मतलब 9 बजे मैथ्स चालू होगा, तभी तो आपका 10 बजे खत्म होगा, विच वॉज प्रिसीडेड बाई बायोलॉजी, ठीक है, है ना, यही दिया अपने पास, जो जीव विज्ञान से पहले थी, तो इसका मतलब यहां पर बायो हो गया, ठीक। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि केमिस्ट्री कहां पर होगा, नहीं पता कर सकते, क्योंकि आपको मैथ्स और बायो का दिया हुआ है, और अभी भी आपके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपके पास 2 जगह आपके पास बचा हुआ है, आप नहीं पता कर सकते। अच्छा, अब अगर सपोज में पहला लिया, फिजिक्स वॉज शेड्यूल्ड इन द लास्ट पीरियड, फिजिक्स वॉज शेड्यूल्ड इन द लास्ट पीरियड, तो यहां पर फिजिक्स हो गया, मतलब अगर मैं पहला और दूसरे को लिया तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज मैं बोला कि इसमें गणित के पीरियड के तुरंत बाद रसायन पीरियड आता है, गणित के अगर सिर्फ और सिर्फ गणित के ठीक बाद यहां पर क्या होता है, रसायन, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अगर बोला, ठीक है, गणित के बाद यहां पर क्या बोल रहा है, गणित के पीरियड के तुरंत बाद रसायन का पीरियड आता है, गणित के पीरियड के बाद तुरंत बाद रसायन का पीरियड आता है, ठीक है भाई। तो आपके पास यहां पर क्या हुआ, गणित का जो पीरियड है ये मैथ्स हुआ, मैथ्स के बाद यहां पर कौन सा आपके पास, मैथ्स के बाद क्या आता है आपके पास, मैथ्स के पास आपके पास बात केमिस्ट्री, आपके पास केमिस्ट्री का पीरियड आता है, ठीक है, है ना, ये आपके पास आ गया। तो आपको पता क्या करना है, आपके पास एंडेड एट 10, ठीक है, विचार प्रीसीडेड बाय बायोलॉजी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां पर आपके पास क्या दिया, आपके पास मैथ्स का शेड्यूल यहां पर फिक्स आपको दिया हुआ है, आपके पास पहले में यहां पर क्या दिया, कौन सा शेड्यूल दिया आपके पास, मैथ्स का शेड्यूल दिया, मैथ्स अगर सपोज 9 बजे होगा उसके बाद यहां पर क्या होगा आपके पास, क्या होगा, केमिस्ट्री का होगा, अगर पहला और तीसरे को मिला तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, तो मतलब अगर मैं पहले और दूसरे को मिला तो भी आंसर आ जाएगा, और पहले और तीसरे को मिलाऊंगा तो भी आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आपको ये पता करना है अगले वाले में कि x के कितने बेटे हैं, आपको पता करना है x के कितने बेटे, आपको पता करना q है और u है, ये दोनों t के भाई हैं, ये दोनों t के भाई हैं, आपको पता करना है कि x के कितने बच्चे हैं, कितने बेटे हैं, आपको पता करना, ठीक है। आपके पास क्या बोला, आपके पास Q और U, T के यहां पर क्या है, भाई है, लेकिन T उसका बहन है, T उसकी बहन है या भाई अपनी, R इज द सिस्टर ऑफ P एंड U, R इज द सिस्टर ऑफ P एंड U, R जो है ना बहन है, R इज द सिस्टर ऑफ किसका अपने पास, U और P, U और P, R बहन है, तो मतलब ये तीनों आपस में यहां पर क्या हो गया, भाई बहन हो गया, R इज द सिस्टर ऑफ P एंड U, ठीक। R and T are daughters of Q, X. R and T are daughters of R and T, यहां पर ये सही है, ठीक है, ये आ गया अपने पास। P के बारे में नहीं बोल रहा है, R क्या है, सिस्टर ऑफ P एंड U, तो आपके पास यहां पर क्या, T और R कंफर्म हो गए कि वहां पर वो उसकी बहन है, मतलब ये क्या हो जाएगा, x के यहां पर क्या हो जाएंगे, बेटियां हो जाएंगी, तो
तो आप तीनों मिला के भी कंफर्म बता सकते हैं कि उसके यहाँ पर कितनी आपके पास डेट है, क्योंकि पी का जो डाटा है ना आपको वो भी अभी तक फिक्स नहीं है ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है आज जो है सिस्टर है पी और यू का, तो यहाँ पर ये तो कंफर्म होगी कि यू यहाँ पर क्या भाई है, लेकिन ये आपके पास नहीं पता कर पा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर आपके पास तीनों मिलाएंगे तो भी नहीं है ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया आपके पास। सात व्यक्ति एक सीधी रेखा में बैठे हैं ठीक है। अच्छा रैंकिंग में क्या होगा, कभी भी आपको बोलेगा सात लोग आठ लोग एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, और जब आपको उनका फेस का डायरेक्शन नहीं देगा तो हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि वो सारे के सारे उत्तर दिशा की ओर यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपको जब यहाँ पर बोला है कि सात व्यक्ति मतलब सबके साथ सबके सब यहाँ पर देख रहे हैं ठीक, कौन पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो आपको ये पता करना है कि ठीक बीच में कौन बैठा है। गौतम पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, एक दो तीन चार पांच छह सात ठीक है भाई। चलो आपको पता करना है कि बीच में कौन आएगा, गौतम पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, तो या तो गौतम इधर बैठा होगा या तो गौतम इधर बैठा होगा। वरुण गौतम के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, वरुण गौतम के दाएं, वरुण गौतम के दाएं, गौतम के दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन बैठा है वरुण ठीक है। यहां तो बैठ सकता नहीं क्योंकि यहां पर ये यह क्या कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि यहां से क्या मालूम चलेगा कोई इसके बाएं आपको नहीं बैठ सकता, तो वरुण उसके दाएं तो बैठ ही नहीं सकता, उसके बाएं बैठना पड़ेगा। तो वरुण गौतम के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा, बिल्कुल सही है। आप पहले वाले से अपना आंसर आप ला सकते हैं ठीक है, आप पहले से अपन आंसर ला सकते हैं। अच्छा अब अगला पढ़ते हैं, रुद्र पलक के बाएं और तीसरे, रुद्र पलक के बाएं और पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर बैठा है, ललित पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा, ललित पंक्ति के दाएं छोर से, ललित मान लो सपोज ये पंक्ति है ललित दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, आप तब भी नहीं पता कर सकते कि आप इसमें सेकंड्स पता नहीं कर सकते ठीक है। कृषि और पलक के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं, कृषि और पलक है ना, कृषि और पलक के बीच में, कृषि और पलक के बीच में तीन व्यक्ति बैठे, एक दो और तीन बैठे ठीक व्यक्ति, गौतम पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, गौतम या तो इधर बैठा होगा या तो इधर बैठा होगा, आप नहीं कर सकते। तो उससे आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ पहले वाले से आ सकता है, बाकी आप दूसरे और तीसरे में कितना माथा पच्ची कर ले आपका आंसर नहीं आएगा, तो सिर्फ एक से ही आपका आंसर ठीक। अगला आपको बोल रहे यहां पर, एक परिवार में छह व्यक्ति हैं, दो कपल है दो बच्चे हैं, मतलब दो शादीशुदा हैं और दो यहां पर क्या होंगे बच्चे होंगे, मतलब दोनों अनमैरिड हैं। आपको ये पता कर रहा है कि जड से एम का रिलेशन क्या, जड से एम का रिलेशन क्या आपको ये पता, वाई इज द ओनली सिस्टर ऑफ ए एंड ए इज मैरिड टू सी, ए और सी ये दोनों मैरिड कपल है, और वाई इज द ओनली सिस्टर ऑफ ए, वाई इज द ओनली सिस्टर ऑफ ए, वाई इसकी यहां पर क्या है बहन, वाई यहां पर क्या इसकी यहां पर क्या है ये इसकी बहन, ये आपको ठीक है। तो इससे भी आप जड और एम का रिलेशन आप नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां पर वाई ए और सी के बारे में बात हो रही है ठीक, वाई ए की क्लोथिंग, एम सी की एकमात्र भतीजी है, एम सी की एकमात्र भतीजी, एम सी की एकमात्र भतीजी है ठीक है। ये आप जानते हैं भतीजा भतीजी किसको बोलते हैं, भतीजा भतीजी किसको बोलते हैं अपन लोग, भाई का लड़का होगा तो भतीजा ठीक है, और भाई की बहन होगी तो वहां पर क्या हो जाएगी भतीजी ठीक है ना। तो सी एम की यहां पर क्या थी अपने पास, सी एम की भतीजा, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा,
ये जो होगा मेल मेंबर हो जाएगा, ये आपके पास मेल मेंबर है और ये आपके पास फीमेल मेंबर ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहां से भी आ रहे हैं क्या? नहीं। फिर बोला है एम एन एम का चचेरा भाई है, एन एम का चचेरा भाई, एन एम का चचेरा भाई, एन एम का चचेरा भाई, एन एम का, चलो जो भी है। तो अपन यहां पर देख रहे हैं रिलेशन किसका निकालना है, जड़ और एम का बोल है। तो इस पूरे कथन में कहीं पर जड़ का बात ही नहीं हुआ, जड़ का बात ही हुआ है क्या? आपको जड़ का बात ही नहीं हुआ है, तो जब जड़ का बात ही नहीं हुआ आपके पास कहीं पर भी स्टेटमेंट में, तो आप उसका आंसर ला सकते हैं क्या? आप उसका आंसर बिल्कुल नहीं ला सकते, तो सब मिलाएंगे तो भी आपका आंसर नहीं आने वाला है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता आपको ये। अब इसमें क्या करता है आपके पास, जो आपका पजल वाला क्वेश्चन है आपके पास उसी को पूरे यहां परख लेता है। कभी अब रिसेट का लेवल बढ़ गया है, ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि एग्जाम का लेवल बढ़ गया तो हमारी तैयारी भी उस लेवल पे रहनी पड़ेगी। पहले ही बता रहा हूं अभी के दौर का कॉम्पिटिशन आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत विस्तृत हो गया, तो आपको एक एक पहलू को, एक एक चीज को ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये एमसीक्यू का सीरीज आपके इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक आपको जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस पूछे हुए वो वाले प्लस अपकमिंग एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछने की संभावना है उन सब का बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समावेश किया गया है, और ये आपको एग्जाम टाइम के क्विक रिवीजन में बहुत बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलो आपको यहाँ पर बोल रहा है 6 प्रोफेसर को सोमवार से लेकर शनिवार तक, That means आपको starting from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday और Saturday को आपके पास यहाँ पे lectures आपको लेने हैं। 6 प्रोफेसर है कौन कौन है? मनदीप, नितिन, ऑन्ड्रिला, पंखुड़ी, युक्ति और रति। ऑन्ड्रिला से पहले कितने प्रोफेसर व्याख्यान आयोजित करते हैं आपको ये निकालना है। मतलब आपको सिंपल सी बात है, आपको ऑन्ड्रिला का पोजीशन निकालना है कि किस दिन आपको हुआ था, आपको वो निकालना है, ये आपको पता करना है। तभी आप पता कर सकते हैं कि उससे पहले कितने प्रोफेसर का व्याख्यान आयोजित है। पंखुड़ी अपना व्याख्यान कम से कम 3 लोगों के सामने आएगी, कम से कम 3 लोग, ज्यादा से कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पंखुड़ी अपने कम से कम 3 लोगों के सामने आयोजित करती है, मतलब 3 से पहले करेगी, ठीक है। पंखुड़ी करने लेक्चर एटलीस्ट बिफोर 3, एटलीस्ट कम से कम 3, 1, 2, 3 के बाद वहां पर कौन करेगा अपने पास? पंखुड़ी करेगी। यहाँ ये 3 के बाद भी हो सकता है अपने पास, यहाँ पर 4 भी हो सकता है, तभी अपने पास 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है। मनदीप गेव द लेक्चर कंडक्टेड ऑफ फिलोसॉफी ऑन ट्यूजडे। मनदीप का फिक्स हो गया ट्यूजडे, ठीक है, और ट्यूसडे वो कौन सा लेक्चर दे रहा है? वो दे रहा है फिलोसॉफी का लेक्चर दे रहा है, ये हम बता, ठीक, ओके। मनदीप का आपके पास ये दिया। अच्छा, जब मनदीप आपके पास जब ये होगा ना, तो मनदीप होगा तो आपके पास क्या होगा? पंखुड़ी 3 लोगों से पहले देती है, पंखुड़ी यहां भी हो सकती है, पंखुड़ी यहां हो सकती है, तभी यहाँ पर एक कंडीशन होगा, या फिर 2 कंडीशन होगी, यहाँ तो हो सकती नहीं, तो पंखुड़ी या तो यहाँ पर होगी या फिर ये लेके चला तो यहाँ पर नहीं हो सकता। 3 लोग से पहले ना पंखुड़ी अपना लेक्चर 3 लोग से पहले देगी, अगर पंखुड़ी यहाँ पे हो गई, हाँ 2 कंडीशन यहाँ पे अभी नहीं हो सकते, ठीक, ओके। उसके बाद युक्ति इज गिवन लेक्चर एटलीस्ट वन ऑफ द अदर लेक्चर्स, युक्ति कम से कम 1 से पहले होगी। युक्ति क्या होगा? जो लेक्चर होगा ना उसका 1 से तो पहले होगा कम से कम, तो युक्ति क्या होगा? 1 से पहले होगा, मतलब युक्ति सबसे लास्ट में ही होगी। युक्ति यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, और युक्ति यहाँ भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है, 2 कंडीशन होगा ना, ठीक है। युक्ति आपके पास यहाँ पे नहीं हो सकती और यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक। फिर आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑन्ड्रिला कंडक्टर हर फिजिक्स लेक्चर इमीडिएटली ऑन नेक्स्ट डे ऑफ पंखुड़ी लेक्चर, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है कि ऑनडीला यहां पर क्या बोल रही है, अपना जो लेक्चर है ना, फिजिक्स लेक्चर कब देगी, पंखुड़ी के बाद देगी, पंखुड़ी के। अगर मैं पंखुड़ी को यहां कंसिडर कर लूं तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहां पर अपने पास कौन हो चुका, मंदिर हो चुका है। तो आपको पंखुड़ी को यहां बैठाना पड़ेगा, पंखुड़ी को आपको यहां बैठाना पड़ेगा और ऑनडीला को यहां पर बैठाना पड़ेगा, ठीक है? ये दिया ना ऑनडीला, सॉरी ऑनडीला को आपको यहीं पर बैठाना पड़ेगा। तो पहले और दूसरे से आपका आंसर आपके पास आ चुका है, अगर पहले वाले को और दूसरा मिलाऊंगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? और उससे आ गया। अब तीसरा वाला, अ मिनिमम ऑफ फोर लेक्चर्स वर कंडक्टेड आफ्टर नितिन लेक्चर। नितिन के बाद आपके पास कम से कम आपके पास क्या, चार लेक्चर होने चाहिए। जो पहला वाला स्टेटमेंट था ना, वो पहले वाले स्टेटमेंट हमारे पास यहां पर क्या हुआ था, आपके पास पहले वाले से क्या बोल रहा है, फोर लेक्चर्स कंडक्टेड आफ्टर नितिन लेक्चर, मतलब आपके पास मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे होगा। तो नितिन का मिनिमम फोर लेक्चर्स वर कंडक्टेड आफ्टर नितिन लेक्चर, आफ्टर नितिन के लेक्चर के बाद चार कम से कम। तो या तो नितिन यहां हो सकता है या तो नितिन यहां हो सकता है, ठीक है? तो आपको उससे आपके पास क्या होगा, आपका आंसर आ सकता है कि आपका आंसर इससे आपके पास नहीं आ सकता, ठीक है? तो सिर्फ क्या होगा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरे से क्या कर सकते हैं, आप अपना आंसर ला सकते हैं कि ऑनडीला से पहले कितने लोगों का लेक्चर था, जो कि यहां पर क्या होगा, तीन। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा डाटा सफिशिएंसी का। तो डाटा सफिशिएंसी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपका समंग पर्याप्तता में जो एनालिटिकल रीजनिंग है या डिसीजन मेकिंग वाला है वो पोर्शन है, और सी सेट में डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। रीजनिंग के सीरीज को जितने आपके वीडियोज बने वो सारे को ध्यान देखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत शॉर्ट बने हैं और एकदम सेलेक्टेड टू द पॉइंट बने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।